अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 304 फाइनल टर्म करेंटली पेपर जो है वो देखेंगे। और पेपर आप लोगों का बहुत इजी है, बशर्त ये कि आप लोगों ने थोड़ा सा रीड आउट किया हो। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। प्रिपरेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि आप लोग जल्द से जल्द अपना कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप कर लें। पहला क्वेश्चन देखें, MCQs आपके 80% जो है वो आपके पास पेपर से आ रहे हैं, और जो पेपर में आ रहे हैं पास पेपर से वो मैंने प्रिपरेशन वीडियो में ऑलरेडी आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो समझाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप लोग सारे सुन लें कि ये CS 304 प्रैक्टिकल के भी यहाँ से आते हैं, ये खाली CS 304 नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है ना वो 1 से लेके 45 लेक्चर्स तक है, तो वो MCQs आपके रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप लोगों ने वो देख लेना है, ठीक है। चलते हैं दोबारा से, लिंक चाहे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा कि MCQs आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास्ट पेपर से ही आ रहे हैं। तो आप लोगों ने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो प्रिपरेशन वीडियो बनी हुई है उसको देख लेना है, मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर कवर किए हुए हैं, ठीक है। और अगर फाइल्स आपके पास अवेलेबल है तो वकार की फाइल्स वगैरह कर लें, वहीं MCQs आपके पास आ रहे हैं। कुछ मिक्सचर ऑफ जो है वो MCQs है, तो वो आपको जब आप प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे तो आपकी कवर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोगों के CS 304 के अंदर जो है वो थ्रेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पर ये बात सुन लें स्टूडेंट्स के आप लोगों के जो थ्रेटिकल क्वेश्चन है ना, जो थ्यूरी के रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आ रहे होते हैं। तो स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के बारे में आपसे पूछा गया था कि आप लोगों ने ये बताना है कि इसका जो है वो ये यूज़ क्या होता है या हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसका डिटेल्ड आंसर मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने इसका ये आंसर लिख देना है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। देखो, C++ के अंदर ना हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस में क्या होता है, इसमें जो स्ट्रीम इंसर्शन होता है ना उसको हम सी आउट कहते हैं। देखो, स्ट्रीम इंसर्शन जो है वो सी आउट होता है, जिसका साइन ये वाला होता है। इस साइन को हम लोग जो है वो स्ट्रीम इंसर्शन का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या करता है, ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। कैसे, मैं आपको ज़रा यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें, अभी हम जाके प्रैक्टिकल भी जो है वो देखेंगे इस चीज़ को, जो आपका प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ गया है मैं उसको प्रैक्टिकल समझाऊंगा आपको आगे जाके। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल सी आउट लिखा, सी आउट के साथ मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। और मैं आगे यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वेट्स हैं उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए, मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, सी आउट, यानी पीछे जो भी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजीज चल रही हैं, सी आउट का मतलब है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को। तो यहाँ पर इसका ये बेसिक सा मतलब हो जाएगा कि हम लोगों ने सी आउट के साथ स्ट्रीम इंसर्शन का साइन इस्तेमाल किया। तो आप लोगों ने ये लिखना है कि स्ट्रीम इंसर्शन इज़ बेसिकली यूज फॉर द आउटपुट, यानी कि सी आउट के साथ आउटपुट को इस्तेमाल करने के लिए, आउटपुट को दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। जबकि स्ट्रीम एक्सट्रक्शन का जो मतलब है वो हम लोग यूज़ करते हैं सी इन के लिए, और सी इन यानी सी का मतलब हमारे पास जो लैंग्वेज है और इन का मतलब इनपुट। तो सी इन के लिए हम जो है वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम सी इन के लिए एक्सट्रक्शन का साइन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इसका बेसिक यूजेज है अकॉर्डिंग टू दी मैं आंसर। यहाँ पे देखिए, मैं लिख भी दिया है कि द यूज ऑफ एक्सट्रक्शन ऑपरेटर दिस वन टेक्स फॉर इनपुट, ये इनपुट के लिए लिया जा रहा होता है, और यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है, सी आउट और सी इन का। और इसी तरह से जो हमारे पास आईओ ऑपरेशन होते हैं वो भी इनपुट और आउटपुट यानी इंसर्शन और एक्सट्रक्शन ऑपरेटर की मदद से ही हमारे पास यूटिलाइज हो रहे होते हैं। उसके आगे हम आते हैं जी इनहेरिटेंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में और इसके अलावा जो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस होती है उसमें क्या फ़र्क है। देखो जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने इनहेरिटेंस सबसे पहले कहते हैं किसको है, तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास जो है वो किसी ना किसी से मुशाबत आप लोग रखते हैं, जिस तरह से विरासत में, जिस तरह हम इसे उर्दू में कह सकते हैं कि वरसे में मिली हुई चीज़ है, ये इनहेरिटेंस में मिली हुई है। जिस इसी तरह से हमारे पास क्लासेस होती हैं, मैं आपको लाइव थोड़ा सा अगर मैं इसका बता दूं तो आपके पास सबसे पहले एक पेरेंट क्लास होगी। चले हम इसको हैंडआउट से करते हैं, ओके, हैंडआउट से देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेक्चर में 31 से क्वेश्चन आया हुआ आपका कि आपने ये बताना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो किसको कहा जाता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इन लोगों ने इस तरह आपको समझाया हुआ है
कि एक चीज के अंदर दो लोगों की खूबियां मौजूद होंगी। जैसे देखें, अब फोन के अंदर क्या है, फोन एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इसके अंदर आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट, यानी कि आप आवाज़ को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आवाज़ को रिसीव भी कर सकते हैं। तो फोन क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपसे पेपर में पूछी जा रही होती है वो मरमिट की होती है। अच्छा, यहाँ पे देख लो, उसकी जो है वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन यही लिखनी है आपने कि जो ड्राइव क्लास होती है, ड्राइव क्लास कौन सी क्लास होती है, एक होती है बेस क्लास, बेस क्लास को हम कहते हैं ये पेरेंट क्लास है। एक होती है ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास का मतलब होता है ये चाइल्ड क्लास है जो इनहेरिट होती है डेटा मेंबर से। और ये क्या करती है, ये फंक्शंस को, जो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शंस हैं, जिस तरह मेरे वालिदैन हैं, अब मेरे वालिदैन से हो सकता है मेरी आवाज़ मिलती हो, या मेरी शक्ल उनसे मुशाबत रखती हो, या मेरी हाइट अपने वाले से मिलती हो। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मेरी मेरे अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें उनसे जो है वो इंक्लूड हुई हैं, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ड्राइव क्लास में जो बेस क्लास से चीज़ें आई हैं उसको हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आई हैं तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए जो है वो एक मनमिट वाली है। ये देखें प्रॉब्लम्स क्या है जी, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ मोर देन वन बेस क्लास, ये आपको मैंने आगे जाके क्वेश्चन बताना था, मैं यहीं पर बता देता हूँ। इफ मोर देन वन बेस क्लास हैव अ फंक्शन विद सम सिग्नेचर देन द चाइल्ड विद हैव टू कॉपीज ऑफ द फंक्शन। पेपर में कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ था कि अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं तो क्या हमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, हमें क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसका सिंपल आंसर ये है, ठीक है, आपके हैंडआउट से मुझे मिल गया, नहीं तो मैंने आप इसके इसको गूगल से सर्च करके आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करना था, लेकिन हैंडआउट से मुझे मिल गया कि अगर आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो यूटिलाइज करनी है तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि कॉपीज आ जाएंगी चाइल्ड फंक्शन की, और दूसरा ये है कि आपकी जो कॉलिंग फंक्शन है उसमें आपको जो है वो एम्बिगुइटी का जो है वो रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। ये सिंपल सा जवाब है इसका। ये देखें, अब यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को फर्दर अगर मैं आपको समझा दूँ तो ये होगा कि एक व्हीकल है, व्हीकल का मतलब एक गाड़ी है, वो गाड़ी क्या करती है, वो लैंड यानी ज़मीन पे भी चलती है और वो कार जो है वो वाटर में भी चलती है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की उसके पास इनहेरिटेंस है, एक बोट की यानी एक कश्ती की और एक जो है वो गाड़ी की। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ को याद रखना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये है कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ होती है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ता है, दूसरा ये पूछा गया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है, उसको डिफाइन करना है आपने, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये एक लेक्चर था जो मैंने आपको समझा दिया है। ये देखें, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है तो एक से ज़्यादा चीज़ों की जो है वो खूबियाँ उसके अंदर मौजूद होंगी। जिस तरह एक गाड़ी है जो वाटर में भी चल सकती है तो वो बोट की इनहेरिटेंस लेकर आया है, इसी तरह से अगर गाड़ी लैंड पर चलती है तो वो लैंड जो कार होती है उसकी भी इनहेरिटेंस अपने अंदर रखता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, दो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं। उसके आगे जनाब क्लासेस के बारे में देखना है, और ये आपका प्रैक्टिकल यहाँ से प्रोग्राम आया हुआ है, इसके लिए मैंने आप लोगों की असाइनमेंट ओपन की हुई है जो मैंने खुद क्रिएट की थी। देखें जी, यहाँ पे होता क्या है, आपने ना प्रोग्राम लिखना होता है अबाउट द क्लासेस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ फर्दर क्लियर कर दूँ कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि सिंपल जो है वो मतलब पूरा प्रोग्राम लिखना शुरू कर देना है। वो आपको क्या कहेगा, या तो वो आपको जो है वो एरर को फाइंड करने के लिए देगा, या आपको कहेगा कि आप जो मुझे पब्लिक क्लास का प्रोग्राम लिख कर दें। तो देखिए, क्लासेस को लिखते कैसे हैं, ज़रा पहले उस चीज़ को समझ लें, उसके बाद हम फर्दर जो है अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है क्लास और उसके आगे पर्सन। देखो, क्लास का ना नाम आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने दिया गया होगा। फ़र्ज़ करें जी, मैं आपसे कहता हूँ कि क्लास एक बना दें मुझे, किसकी, स्टूडेंट की, ST और D, यानी कि STD की एक क्लास बना के दें, और STD रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो आपने क्लास लिखना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप हर क्लास जब भी बनाएंगे लिखेंगे, और उसके आगे इस पर्सन की जगह ना आप क्या लिख देंगे, आप स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है। जो भी क्लास आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने बनाने के लिए दी होगी आपके क्वेश्चन के अंदर, वो नाम आपने यहाँ पर यूटिलाइज कर देना है। अब मैं आपको बताऊं, क्लासेस की तीन टाइप्स हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एक होता है प्राइवेट पार्ट, एक होता है पब्लिक पार्ट, और एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड पार्ट। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, पहले उस चीज़ को समझ लें। जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसके अंदर हम जो डेटा लिखते हैं वो सिर्फ हमारे तक होता है, या हम जिसको दिखाना चाह रहे होते हैं या जिसको एक्सेस देते हैं उस तक होता है। पब्लिक पार्ट के अंदर डेटा सबके लिए होता है, जैसे यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो है, ये आप लोगों के लिए पब्लिक है, कोई भी बंदा आके इसको किसी भी मुल्क से किसी भी जगह से आके एक्सेस कर सकता है।
इसी तरह से अगर मैंने ये वीडियो प्राइवेट की होती और आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते, फिर मैं आपके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर करता, तो वो प्राइवेट थी। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड के ऊपर। प्रोटेक्टेड में ये होता है कि प्रोटेक्टेड जो है वो आप इस तरह कह लें कि हाफ पब्लिक और हाफ प्राइवेट, यानी कि मेरे पास एक जो है वो क्लास है और वो मेरे अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए तो पब्लिक है, लेकिन आप लोग मेरे स्टाफ मेंबर नहीं हैं तो आपके लिए वो जो है वो प्राइवेट है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रोटेक्टेड क्लास तब यूज़ करते हैं कि उनके लोगों के लिए वो चीज़ इनेबल हो, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो चीज़ जो है वो क्या हो, वो जो है वो प्राइवेट हो, तो ये प्रोटेक्टेड मेंबर आ जाता है। तो लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक क्लास को ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपने प्राइवेट कीवर्ड लिखा, उसके आगे सेमी कॉलन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर तो वो आपको पूरी क्लास का स्ट्रक्चर बना के देगा और कहेगा एरर को फाइंड करो, तो ये सेमी कॉलन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी क्लास प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, उसके आगे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। उसके आगे हम आते हैं चार पे। अब ये आपकी वो डेटा टाइप्स हैं जो आपको आपका इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन के अंदर बना रहा होगा, जिस तरह स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट के नेम के साथ उसका रोल नंबर आ जाएगा। अब देखो रोल नंबर क्या है, रोल नंबर के लिए इंट हमारे पास यूटिलाइज होगा और जो नेम है उसके लिए चार यूटिलाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे चार नेम। अब ये नेम की ना वो कन्वेंशन, यानी नेम को यहाँ पे आप कह लें कि हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा नेम 50 करेक्टर्स का होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ एम, यानी मोहम्मद डॉट साकिब एस ए, तो देखो ये 1 फिर 2 फिर 3 4, तो मेरा नाम अभी तक जो है वो चार हिंदसों का है, यानी चार करेक्टर्स का है, क्यू आई और बी। तो देखिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अगर 7 होते तो क्या होना था, यहाँ पे डेफिनेटली मेरे पास सिर्फ 7 की ही लिमिट होनी थी। अगर मैं इससे ऊपर करता यानी मोहम्मद साकिब और आगे फर्दर एस डालता, तो यहाँ पे मुझे एरर का सामना करना पड़ना था। तो यही आपसे एरर में पूछा जा सकता है कि आपको स्टूडेंट का नेम दिया होगा, फर्ज करें स्टूडेंट का नेम या फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन का नेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसकी लेंथ जो है 4 स्पोर्ट्स 12 है, लेकिन यहाँ पे 10 दी हुई है, तो ये लॉजिकल एरर है, ये आपके पास सिंटैक्स एरर है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने देखना है और मिनिमम आप लोग हाइट जो है, यानी प्रेफरेबल होता है कि आप जो है वो 30 या 50 रखें, इससे कम ना रखें। उसके आगे हम आते हैं वी यू आई डी इंट के ऊपर। जिस तरह मैंने बताया कि स्टूडेंट का नेम होगा और उसकी आई डी होगी, आपके आपकी मर्जी है, चूंकि ये तो असाइनमेंट हम अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन कर रहे थे। अब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहेगा आई डी लिख दो, तो इंट के साथ आप आई डी पास करेंगे और चार के साथ उसका जेंडर, ये भी अब उसने अगर आपको रिक्वायरमेंट दी होंगी, यानी मेल है या फीमेल है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके आगे हम आते हैं पब्लिक पार्ट के ऊपर। दोबारा पब्लिक कीवर्ड लिखा और हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया। अब हम कहते हैं पर्सन, ये आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कंपाइलर हमारे लिए खुद से जनरेट करता है, यानी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपाइलर हमारे लिए खुद से जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने क्लास बना ली एक पर्सन की, जिस तरह मैंने आपको बताया क्लास बनानी है स्टूडेंट की। यहाँ पर देखें, अब स्टूडेंट की क्लास बनाने के बाद, यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास बनाओ, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएं और फिर ब्रैकेट ख़त्म करें। इतना सा पार्ट आपके पेपर में ज़्यादा पूछा जा रहा होता है, एरर को फाइंड करने के हवाले से भी और पेपर में जो प्रोग्राम लिखने के लिए आ रहा होता है उसके हवाले से भी। तो पब्लिक के अंदर आप दाखिल हुए, आपने कहा जी पर्सन, अब ये चीज़ें पर्सन में देखें क्या उसका नेम है। अब स्टूडेंट का नेम क्या है, पब्लिक है, कोई भी जान सकता है। जिस तरह मेरा नाम साकिब है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये पब्लिकली है। अब वी यू आई डी नाम हमने इनिशियलाइज कर दी, ये जो इक्वल है ना, इसका मतलब है कि असाइन कर दिया इसको जीरो वैल्यू, और आखिर में हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया, जो कि ये इस चीज़ की निशानदेही है कि ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट आ रही है। फिर str का मतलब स्ट्रिंग कॉपी, उसका जेंडर, यानी जो चीज़ आपने प्राइवेट के अंदर रखी ना, वो आप पब्लिक के अंदर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। तो ये काम आपका, इतना सा काम है आपका पेपर के अंदर मोस्टली तौर के ऊपर, ठीक है। प्रोग्राम भी आ सकता है आपको। उसके आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो मैं अभी आपको फर्दर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, चूँकि थ्रेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं CS 304 में प्रोग्रामिंग के अलावा, तो ये पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। हम इसको फर्दर देख भी लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ।
फर्दर कंस्ट्रक्टर के हवाले से। लेक्चर नंबर 23 आपका है, जहाँ पे आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये वो कंस्ट्रक्टर होता है विच इधर हैज़ नो पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं होता और ये डिफॉल्ट वैल्यूज़ के साथ, जो कि कंपाइलर खुद जनरेट करता है, तो इसकी वैल्यूज़ भी जो है वो डिफ़ॉल्ट होती हैं। इस तरह इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है किसी भी क्लास का, इन केस वी हैव नॉट गिवन एनी कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसी क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो आपने खुद से इनिशियलाइज तो नहीं किया हुआ, लेकिन वो किसी भी क्लास का, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, और जो भी आपकी क्लास का नेम है, उसके उसके पार्ट हो सकता है। जबकि एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते। देखें, इफ़ द यूज़र हैज़ गिवन कंस्ट्रक्टर फॉर एनी क्लास विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, अगर इसने कोई भी यूज़र ने आर्गुमेंट पास नहीं किए हुए हैं उस सूरत में, विद ऑल द आर्गुमेंट विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, तो वो सारे जो आर्गुमेंट्स होंगे वो डिफॉल्ट पैरामीटर होंगे। तो इस तरह के हम इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, जो है एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम इसको कॉल कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 23। मेक श्योर आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, वरना जो मेरा समझाया हुआ है उसी को आप लोग लिख कर आ जाएं, डैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, उसके आगे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और सम टाइम आपको प्रोग्राम लिखने के लिए भी आ रहा होता है। तो अगर तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप लोग सिर्फ इतना सा काम कर लें कि सबसे पहले हेडर फाइल, जी इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, हेडर फाइल लिख दें। उसके आगे आप लोग जाए यूजिंग नेम स्पेस STD, ये लिखें और आगे सेमी कोलन लगाएं, क्लासेस बना दें। क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लासेस से ही आपका ऊप जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है, और क्लासेस ही आपको मेन जो है वो पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उसके आगे देखो आपने करना क्या है, आपने ना डायरेक्टली आ जाना है इंट मेन के अंदर। ये देखें इंट मेन, ये आपके पास डायरेक्टली पार्ट है इंट मेन का। ठीक है, इसको कमेंट से इसको रिमूव कर दें। अब देखो पर्सन की, पर्सन वन क्लास थी, फिर पर्सन टू क्लास थी, फिर पर्सन थ्री थी। अब इसमें हमने देखो सी आउट करवाया, और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सी आउट का मकसद क्या होता है, सी आउट हम जो है वो स्ट्रीम इंसर्शन को कहते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं ना, तो ये देखें, और आपसे ना पेपर में आउटपुट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये देखें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, अब ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है, ये लिखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, सॉरी, जो लिखा हुआ है ये सी आउट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग का पेपर देने जा रहे हैं, बेशक वो CS 201 है, 301 है या 304 है, आप लोगों ने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी सी आउट की फॉर्म में आपको लिखा हुआ होगा ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन डबल क्वेट्स के अंदर, वही आपके पास आउटपुट जो है वो आएगा। तो अगर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आते हैं और वो आपसे कहता है कि आप आउटपुट बता दें, तो आप लोगों ने सिर्फ जो सी आउट के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं उनको आपने डिटेल्ड देख लेना है। ठीक है, अब देखो सी आउट के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है, और ये जो बैक लाइन एन है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंपल काम। ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को लॉजिकली लेके। ठीक है, और अगर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है तो आप लोग MCQs अच्छे प्रिपेयर कर लें, अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर लें, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बाकी पेपर में स्किप नहीं किसी भी चीज़ को करना, और जो चीज़ें आपको बताई हैं वैसे प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ आप लोगों ने लिख कर आना है, छोड़ना नहीं है। तो ये आपके कलेक्शन ऑफ पेपर्स थे, और सब ने मुझे यही बताया कि प्रोग्राम्स थे, चूँकि उनको प्रोग्राम याद नहीं थे, प्लस उनके पास क्लासेस के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक के पास क्वेश्चन आया हुआ था डिफाइन इनहेरिटेंस का, जबकि पास दूसरे के पास ये क्वेश्चन था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, या हमें आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, अगर करना पड़ता है तो बताएं वो क्या कॉम्प्लिकेशन है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो हमारे लिए ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए, कि हमें हमारे लिए जो है वो कोड लिखना मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा हमें जो है वो लॉजिक्स बनाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। कॉपी, चूँकि हमने दो चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होता है, तो हमारे कोड जो होता है ना उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, वो ज़रा ट्रिकी हो जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, सिंपल ये जवाब है इसका। सी आउट और सी इन का फंक्शन याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन लोगों का पेपर है तो उनमें पूछे गए हैं, और MCQ सबके सेम थे। मैं उम्मीद करूँगा आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।